नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओपन होने बाद मूवमेंट कैसे मिल सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा और कैसे ट्रेड करेंगे, इन सब के पीछे का लॉजिक क्या होगा, सब कुछ एनालिसिस में डिटेल समझते हैं, बात करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। साथियों, कल है मंथली एक्सपायरी, इस बार एक दिन पहले एक्सपायरी हो जा रहा है। कल वेंसडे है, ठीक है, 25 जनवरी। जनरली थर्सडे को एक्सपायरी होता है, लेकिन इस बार थर्सडे को रिपब्लिक डे है, ठीक है। 26 को एक्सपायरी होना था, लेकिन रिपब्लिक डे के कारण छुट्टी है। तो कल जनवरी सीरीज का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, राइट। और 27 से मतलब फरवरी सीरीज शुरू हो जाएगा, मतलब बजट सीरीज शुरू हो जाएगा। ओके, मैं बजट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करूंगा अभी वीडियो में, लेकिन पहले आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। ओके, तो चलिए, यह है निफ्टी का चार्ट। और जैसे कल मैं आपको एनालिसिस में बताया था दोस्तों, कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि गैप अप खुलने से नीचे की तरफ आके क्लोजिंग देता है, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारा पोजिशन था और मैं आपको बताया था जब ये वीक शुरू हो रहा था तब, ठीक है। मैं आपको बताया था कि देखिए, एक तो कम ट्रेडिंग डे हमारे पास है, ठीक है, एक दिन कम ट्रेडिंग सेशन है, इसलिए मेरा टारगेट थोड़ा छोटा था। 43,200 से लेकर 300 तक का मेरा व्यू था वीकली बेसिस पे। आज हाई बनाया है 43,050 के अराउंड, ठीक है, तो थोड़ा कम टारगेट मिला। अगर 43,200 तक गया होता मार्केट, तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला होता, लगभग प्रॉफिट डबल हो चुका होता, ठीक है। लेकिन नहीं गया, कोई बात नहीं। कल मैं आपको बताया था कि गैप अप खुलेगा तो थोड़ा देर वेट करेंगे, इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। अगर कंटिन्यू रहता है तो वेल एंड गुड। 43,000 को रेजिस्टेंस 2 दिन से बना रहा था, अगर इसके ऊपर रहता तो पोजिशन को होल्ड करते, लेकिन जब नीचे जाने लगा तो मैंने पोजीशन क्लोज कर लिया। अच्छा प्रॉफिट में आप लोगों ने भी क्लोज किया होगा, मैं भी अच्छे प्रॉफिट में क्लोज किया है। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ठीक, मैं कुछ पोजीशन आयरन फ्लाई लेके गया हूँ कल के लिए, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी रखा हूँ और इसका फिक्स लॉस रखा हूँ 50,000, ठीक है, और लगभग 60,000 के आसपास प्रॉफिट भी है, इससे ज़्यादा है नहीं। लगभग 2 लाख आसपास प्रॉफिट में क्लोज किया हूँ, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। देखिए, अगर आप पोजीशन क्लोज नहीं करते तो नतीजा क्या होता, ऐसा नतीजा होता आज, ठीक है। इसलिए सही जगह में एग्जिट करना भी बहुत जरूरी था। हालांकि अगर कल छुट्टी नहीं रहता तो मैं पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी कर देता, लेकिन कल ही एक्सपायरी है। अगर कल मार्केट मूवमेंट नहीं किया तो हम जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे ही मार्केट को क्यों दें, जब हमारे डिमेट में आ गया है तो चलिए उसे बुक कर लीजिए। हालांकि मैं इस टारगेट के लिए पोजीशन नहीं बनाया था, कम से कम इसका ट्रेड मुझे 3 लाख या 3.5 लाख आसपास बनना चाहिए था, इस हिसाब से मैं पोजीशन बनाया था, क्योंकि 1,80,000 का मेरा लॉस भी था इसमें, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने भी पोजीशन बनाया होगा, क्योंकि सेम ट्रेड मैंने आप लोगों को दिया था, और हालांकि मैंने निफ्टी भी ऐड कर लिया था, जितने लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड करते हैं उन लोगों को मालूम होगा, ठीक है। चलिए, अब आपको लेके चलता हूँ चार्ट में। दोस्तों, जिस तरीके का चार्ट आज क्लोजिंग दिया है ना, कल का थोड़ा ट्रेडिंग इंट्राडे में मुश्किल है। अगर ये शॉर्ट होगा तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो शायद ट्रेड लेना मुश्किल हो जाएगा। तो कल अगर ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी हम लोग बहुत कम ट्रेड करेंगे, ठीक है, या फिर नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लोजिंग का वेट करेंगे। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस में एक पॉइंट बताता हूँ, ये जो रेड कैंडल है ना, अगर कल बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है या हैमर जैसे कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है, ठीक है, अभी आप लोगों को लगातार लेक्चर में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कल भी मैं आपको बताया था कि इसका कैंडल का क्लोजिंग कैसे होना चाहिए, जितने लोग अभी फ्री क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे आप लोगों को मालूम होगा, कल ही मैं बताया था कि किस तरीके से क्लोजिंग दे सकता है, फिर एक कैसे ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो इस सारे लॉजिक आप लोगों को मैं शेयर किया हूँ, और जितने लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं कंटिन्यू 45 डेज कम से कम आप ज्वाइन करिए, 45 डेज आप दिल से लगन से आप क्लास करिए, बहुत कुछ सीख जाओगे आप लोग, और कहीं पैठ देके ना आपको किसी के पास भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं इतना कह सकता हूँ ट्रेडिंग के लिए। और जो मैं ट्रेड बना रहा हूँ, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी मैं देते रहता हूँ, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन रहिएगा, ज्वाइन नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है, और गूगल फॉर्म भी अवेलेबल है। तो जितने लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिस्टर को, अपने बहन को, सबको ज्वाइन कराओ, अपने भाइयों को ज्वाइन कराओ, दोस्तों को ज्वाइन कराओ, ठीक है, क्योंकि जो लेवल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आपको और कहीं YouTube में इस तरीके से मिलेगा। 2 घंटा 1.5 घंटा का मैं एवरी लेक्चर दे रहा हूँ और कोई चार्जेस नहीं है, सोचिए। चलिए, तो देखिए, अगर कल की क्लोजिंग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस में अगर कल की क्लोजिंग हैमर जैसा होता है या बुलिश कैंडल के साथ होता है, जिसे हम बुलिश समझ सकते हैं, ठीक है, इस कैंडल की तरह अगर क्लोजिंग देता है
तो आप इसमें हायर साइड का ट्रेड देखोगे और कम से कम 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट हमें हायर साइड में मिलेगा, मतलब इधर का मूवमेंट मिलेगा। अगर कल की क्लोजिंग बुलिश आता है तो फिर हम लोग इसमें हायर साइड के लिए बुलिश पोजिशन बना के जाएंगे, मतलब बजट सेशन या बजट सीरीज के लिए। ठीक है, मुझे लगता है आपको एक हायर साइड का रेट अच्छा मिल जाएगा, तो शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे, पुट शॉर्ट करके पोजीशन बनाएंगे। बट कल की क्लोजिंग आप थोड़ा बुलिश देखिए, इंतजार करिए कि कल का क्लोजिंग कैसे देता है। अगर कल की क्लोजिंग नेगेटिव रहता है तो फिर शायद यहाँ पर ट्रेड लेना पोजिशनल मुश्किल हो जाएगा, फिर अवॉइड करेंगे, फिर बॉटम से देखेंगे कहाँ से मार्केट रिकवर कर रहा है। मैं बजट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए, बजट के लिए एक तो मैं स्पेशल स्टडी आप लोगों के लिए शेयर करूंगा मैं इस वीकेंड में, ठीक है, फ्राइडे फिर सैटरडे को मिल जाएगा आप लोगों को वीडियो। दूसरा, अभी मैं बहुत दिन से वाच कर रहा हूँ, बजट सेशन में जनरली प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन अभी मैं लगातार देख रहा हूँ प्रीमियम गिर रहा है। ठीक है, फरवरी एक्सपायरी का देखेंगे, 2 फरवरी की एक्सपायरी का देखेंगे आप, तो लगातार प्रीमियम गिर रहा है, ये कम होता है, मतलब ऐसा कम हमें देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्रीमियम बढ़ना चाहिए। ठीक है, प्रीमियम बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रीमियम गिर रहा है, तो हो सकता है कि फ्राइडे का प्रीमियम बहुत बढ़े। ठीक है, फ्राइडे का प्रीमियम बहुत बढ़े तो कल इवनिंग में कोई बाइंग का भी पोजीशन ओवरनाइट में लेके जा सकते हैं, कोई लॉन्ग स्ट्रगल बना के जा सकते हैं, मतलब बाई का पोजीशन बना के जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप टेलीग्राम चैनल में अपडेट रहिएगा। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि फ्राइडे के दिन प्रीमियम किस तरीके से प्लस होता है या फिर डिक्रीज होता है, ये दोनों चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, 1 तारीख को बजट आएगा, बजट के दिन आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, जिस तरीके से मैं बजट में ट्रेड बनाता हूँ। पिछले बार बजट में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था, तो मुझे लगता है इस बार भी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए, ऐसा उम्मीद है और उम्मीद पे आसमान टिकी है ना, देखते हैं कैसा ट्रेड मिलेगा। चलिए, कल के लिए आप लोगों को लेवल शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आज जिस तरीके से क्लोजिंग दिया है थोड़ा सा नेगेटिव है। देखिए, मॉर्निंग में ब्रेकआउट दे रहा था 15 मिनट चार्ट में, ऊपर 18,200 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं हो पाया और कंटिन्यू में नीचे गिरा है। ओके, अब देखिए, अगर आप इसका प्राइस सेशन देखेंगे तो इस टाइप का प्राइस सेशन पैटर्न बन रहा है। हो सकता है कल एक बड़ा गिरावट आपको देखने को मिले, बड़ा का मतलब लगभग 150 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट। देखिए, ये है ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन ये दे सकता है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे सकता है, आपको शॉर्ट मिलेगा यहाँ पर। इससे पहले ना एक लॉजिक और आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि मार्केट नीचे जा रहा, जो स्विंग लो बना रहा था ना, इसे ब्रेकडाउन नहीं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर जरूर किया था, लेकिन ये कंटिन्यू में नहीं गया, फिर यही स्विंग लो बना था, अब ये स्विंग लो ये बना है। अगर ये स्विंग लो ब्रेकडाउन करेगा ना, तो लोअर साइड में ट्रेड इधर आ सकता है, मतलब 17,900 की तरफ मार्केट गिर सकता है। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में पहले आधा घंटा देखना है। अगर पहले आधा घंटा में मार्केट इधर चला जाता है, ठीक है, थोड़ा मेरा एक पोजीशन है वो थोड़ा बुलिश साइड में है, बटरफ्लाई का पोजीशन है, अगर ऊपर रहता है तो वेल एंड गुड, हमें प्रॉफिट मिलेगा। 18,140 के ऊपर अगर रहता है पहले आधा घंटा, तो इसमें थोड़ा हम लोग हायर साइड का ट्रेड देखेंगे या फिर हम लोग इधर साइड वेज का ट्रेड देखेंगे। ओके, मतलब साइड वेज तो बुलिश व्यू रहेगा हमारा। ओके, पहले आधा घंटा, ठीक है, मतलब 9:45 तक अगर ऊपर रहता है मार्केट तो फिर शॉर्ट नहीं देखेंगे। लेकिन अगर पहले आधा घंटा में लो ब्रेक डाउन कर जाता है, लेवल आप नोट कर लीजिए 18,080, अगर ये लो ब्रेक डाउन देता है तो आपको एक बढ़िया शॉर्ट का ट्रेड मिलने वाला है। आपको 18,120 का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस होगा, और लोअर साइड में जो ट्रेड जाएगा ना वो कम से कम इधर आएगा। ठीक है, मतलब 18,000 का पहला टारगेट होगा, और 18,000 से नीचे जाता है तो ये 40-50 पॉइंट और भी फ्लो में नीचे जा सकता है, 17,960 की तरफ जा सकता है। बट 18,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, राउंड फिगर लेवल है, मार्केट इस लेवल को लगातार रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है 18,000 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, तो 18,000 तक हम लोग शॉर्ट का पोजिशन ओपन रख सकते हैं, और अगर फ्लो में जाएगा तो जब तक जाते रहेगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए कंटिन्यू नीचे जाएंगे, लेकिन 18,000 के आसपास हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। तो अगर इसे नीचे जाना है तो पहले आधा घंटा में नीचे चले जाना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हुआ निफ्टी का, लेकिन रुकिए भाई, अभी और बाकी है मेरा लॉजिक बताना आपको। ठीक है, अभी खत्म थोड़ी हुआ भाई साहब, इधर से एक लाइन आ रहा है, देखिए इधर से एक लाइन आ रहा है।
अगर मार्केट इधर ही क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, इसका मतलब इसके पास जगह खत्म हो जाएगा। फिर ये ब्रेकआउट अपर साइड में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, अपर साइड में ब्रेकआउट आ सकता है, तो इसमें हम हायर साइड का पोजीशन बना के जा सकते हैं, कोई बुल कॉल स्प्रेड बना के जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये हायर साइड क्लोजिंग देता है तो 18,180-60 के आसपास क्लोजिंग देता है तो ये पूरा रेंज क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका ब्रेकआउट बहुत बढ़िया मिलेगा, और ये ब्रेकआउट हो सकता है कि 3 बजे भी मिले, क्योंकि आजकल ना 3 बजे एक मूवमेंट मिलता है, राइट। पिछले वीक लाइव में रहे होंगे आप लोगों ने देखा था जिस तरीके से मैं पोजीशन बनाया था बैंक निफ्टी में, तो 3 बजे एक मूवमेंट मिल जाता है, तो मुझे लगता है 2:30 बजे 3 बजे आसपास भी हायर साइड का मूवमेंट दे सकता है, तब तक ये रेंज पूरा क्लोज हो जाएगा, ये पूरा रेंज क्लोज हो जाएगा। तो आप बैंक निफ्टी में और निफ्टी में इस तरीके से लॉजिक के साथ ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन पे, ठीक है। तो शॉर्ट का ट्रेड बढ़िया बन रहा है, यहाँ पर बाई का ट्रेड मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए, मॉर्निंग में बाई होगा तो मुझे लगता है 2 बजे के बाद होगा, ठीक है। जैसे मैं अभी इसका रेंज बताया कि हायर साइड का ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट में अपर साइड एक अच्छा, चूंकि ये पूरा रेंज क्लोज हो जाएगा, ये पूरा रेंज क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा रेंज क्लोज हो जाएगा, तो अब इसके पास जगह नहीं है, कहीं ना कहीं मूवमेंट कर जाएगा, राइट। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए आप लोगों को लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी में। सिंपल बैंक निफ्टी में भी वही कहानी है जो अभी तक चल रही है लगातार, ठीक है। ये इसका लो है, इसी आसपास आके सपोर्ट लिया है, कल मैं आपको बताया था याद होगा 42,650, ठीक है, इस भाव से मार्केट रिकवर कर सकता है, थोड़ा नीचे आया 42,600 तक। यहाँ मैं एक पोजीशन बनाया था, आखिरी आखिरी में पोजीशन बनाया था, मैं पोजीशन बुक किया था ओवरनाइट में 190 आसपास, ठीक है, 1,90,000, और फिर 2 लाख बनाने के चक्कर में मैं थोड़ा सा नीचे से एक बाई कर लिया था। हालांकि अच्छा प्रॉफिट के बाद मैं इस तरीके का कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है, जो प्रॉफिट मिला उसे घर ले जाने की मेरा मतलब तैयारी रहता है। देखिए इस तरीके का चार्ट इसमें भी बन रहा है, और अगर जैसे मैंने अभी आपको निफ्टी में बताया, सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी भी ये पैटर्न बन रहा है, हो सकता है कि ये इधर आपको ट्रेड दिखा दे, डाउन साइड ये आ जाए, 42,200 की तरफ ये मूवमेंट दे सकता है, लेकिन वैसे ही जैसे मैं अभी आप लोगों को निफ्टी में बताया, पहले आधा घंटा हमें देखना है। अगर पहले आधा घंटा में मार्केट ऊपर की तरफ रहता है, 42,800 के ऊपर रहता है, ठीक है, तो फिर ये शॉर्ट नहीं होगा, फिर मार्केट इस रेंज में ही क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब 42,800 42,900 में ही क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट 2 बजे तक तो मार्केट यहाँ पर रहना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रगल या मल्टी स्ट्राइक जैसा कोई ट्रेड आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर ये लोअर साइड में ब्रेक डाउन देता है 42,600 को मॉर्निंग में, ठीक है, पहले आधा घंटे में इसे चले जाना चाहिए, तो आपको 42,720 का स्टॉप लॉस डाल के इसमें शॉर्ट का ट्रेड बनाना चाहिए, और लोअर साइड में 42,400 42,300 का टारगेट इंट्राडे में मिल सकता है, तो ये ट्रेड भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अगर इधर ही क्लोजिंग करता है तब तो फिर इसमें हायर साइड सोची मत, पहले इधर आप देखेंगे, इसके बाद फिर लोअर लेवल से रिकवरी मिलेगा तो वेल एंड गुड, फिर हम लोग पोजिशन बनाएंगे बॉटम से, ठीक है। कल की क्लोजिंग अगर ये 42,800 या 42,900 देता है या 43,000 देता है तब तो इसमें बुलिश आना चाहिए, मतलब बुलिश मोमेंट आना चाहिए, और एटलीस्ट इधर का मोमेंट आएगा तो कम से कम 400-500 पॉइंट का मोमेंट हमें अपर साइड में मिल जाएगा, हम लोग पोजिशनल ट्रेड लेके जाएंगे नेक्स्ट डे के लिए। हायर साइड मूवमेंट करेगा तो डायरेक्शनल ट्रेड हो जाएगा, प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है, ओके। और अपना रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों, इसके बिना मार्केट में पैसा नहीं मिलता है, चाहे आप जितना कुछ भी सीख लें, ओके। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।